जय हिंद, आपका ऑल इन वन रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आइए अभी हम बात करते हैं जिला स्वास्थ्य समिति बक्सर का जो ये फॉर्म निकला है इसके बारे में। पहले तो कुछ प्रश्नों का मैं आपको जवाब दे दूं। पहला, आप बच्चों का कहना है सर आप इतना फॉर्म लाते कहाँ से हैं? दोस्त, मैं रोज पेपर पढ़ता हूँ और जो पीछे के में जो देता है उसका मैं ओरिजिनल जो वेबसाइट है उस पर जाकर चेक करता हूँ कि ये सही है या फ्रॉड। अगर फ्रॉड है तो कोई बात नहीं, और सही है तो आप लोग को बताता हूँ। दूसरा, लोग बच्चे कहते हैं कि सर ये सरकारी रिजल्ट पे शो नहीं करते हैं। तो दोस्त, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकारी रिजल्ट कोई सरकार का नहीं है, वो भी एक यूपी का बंदा है, उसी का है। ठीक है, अब हम लोग इस फॉर्म के बारे में देखते हैं। देखिए, इसका जो ओरिजिनल जो साइट है इसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दे दूंगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं। नीचे नीचे इसको थोड़ा स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा है वॉक इन इंटरव्यू। इस पर क्लिक हम लोग करते हैं तो आप अदर पेज पे चले जाइएगा। थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वॉक इन इंटरव्यू, यहाँ पे 24/5/2021 से 30/6/2021 इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। यह ऐसा नहीं है लास्ट डेट है, क्योंकि अंदर में कुछ और लिखा गया है। आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है तो आप पीडीएफ पे चल जाइए जो डाउनलोड का सिंबल है। और हम लोग को जो भी है इसे यहीं पे मेन जानकारी है। ये देखिए जिला स्वास्थ्य समिति बक्सर सदर अस्पताल, इसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो मैं आपको थंबनेल में लगाया था कि डाटा ऑपरेटर का बहाली, तो देखिए 22 पोस्ट है डाटा ऑपरेटर का, और आपको टोटल जो पेमेंट मिलेगा ₹12,444 मिलेगा। मैं बताऊंगा कहाँ जाना है, कैसे करना है, सारा कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। और आप अगर इसका हम सर्टिफिकेट का बात करते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो इसमें आपको 1 साल का टाइपिंग का सर्टिफिकेट बनवाना होगा, या आपके पास है तो अच्छी बातें, नहीं है तो कोई भी इंस्टीट्यूट बना देगा। और आप इंटर पास होने चाहिए, और तो और आप इंटर पास हैं, इसके बारे में अब आगे बात करते हैं। पहले देखते हैं जितने भी अभी फॉर्म आ रहे हैं सारे के सारे COVID-19 को देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और फिलहाल तो 3-6 महीने के लिए आ रहे हैं, लेकिन 95% लोगों से मैंने जो बात किया है उसके अनुसार अभी भी वो काम कर रहे हैं। इसका मतलब सारे ये सरकारी नौकरी हैं, और जो भी मैं बताता हूँ सरकारी नौकरी के बारे में ही बताता हूँ, प्राइवेट नौकरी के बारे में अपने साइड पर नहीं बताता हूँ। अगर बहुत अच्छा आएगा तो भविष्य में देखा जाएगा। और देखिए इसका जो जो इंटरव्यू स्टार्ट होगा आपको 26/5/2021 से 27 तक, यानी 26/27 को चलने वाला है। और ध्यान रहे 26 को अगर फुल हो गया तो 27 को नहीं होगा, यहाँ पे साफ लिखा हुआ। और प्रत्येक 11 बजे से आपको जाना कहाँ है तो जिला स्वास्थ्य समिति बक्सर जाना है। ये आप या फिर गूगल पे भी सर्च करते हैं जिला स्वास्थ्य समिति बक्सर तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। और तो और ये हो गया, और आप कोशिश करिएगा 26 को जाने के लिए, 27 का वेट मत करिएगा, हो सकता है फुल हो जाए। अगर हम ये बात करते हैं कि ये डाटा ऑपरेटर का है, और आपको मैं बता दूं कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसी दिन आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा, या ये भी कह सकते हैं कि इमरजेंसी वैकेंसी है। और तो और ये हो गया। हाँ, आपको डॉक्यूमेंट में क्या लेके जाना है, तो जो जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। आपको डॉक्यूमेंट में मैट्रिक इंटर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, और उन सब का जीरोक्स भी ले लीजिएगा, और अपना आधार कार्ड, निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये सब तो नॉर्मल है, आपको सारा कुछ लेके जाना होगा। अगर आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और